तो एंड्रॉयड फ़ोन, एंड्रॉयड सिस्टम क्या है, एंड्रॉयड मोबाइल एप्लीकेशंस, मोबाइल फ़ोन्स क्या होते हैं, ये हम सभी जानते हैं। कभी आप लोगों ने सोचा है जब हम प्ले स्टोर से किसी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं वो हमसे कुछ परमिशंस मांगता है और उन परमिशंस को हमें वहाँ पर देना पड़ता है क्योंकि हमें उस एप्लीकेशन का जो है इस्तेमाल करना है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम उस एप्लीकेशन का इस्तेमाल एक दिन करते हैं और एप्लीकेशन में हम परमिशन जो है हमारे सारे मोबाइल की दे देते हैं, वहाँ पर फ़ोन कॉल्स, फ़ोन डायरेक्टरी, SMS, लोकेशंस, हम सभी कुछ उस एप्लीकेशन को दे देते हैं। इसके बाद वो एप्लीकेशन हमारे फ़ोन में रखा रहता है, हम उसका कोई भी यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन दोस्तों वो एप्लीकेशन आपके फ़ोन का प्रॉपर यूज़ कर रहा होता है। आपने कब किसे कहाँ कॉल किया, कितनी देर बात की, किसे SMS किया, आप कहाँ पर हैं, किस लोकेशन पर हैं, ये सभी कुछ वो एप्लीकेशन यहाँ से ट्रेस और ट्रैक करती रहती है। इससे बचने के लिए अक्सर होता भी ये है कि हम डायरेक्ट एप्लीकेशन पर जाकर जब हमारा कोई इस्तेमाल नहीं बचता है उस एप्लीकेशन से तो हम उसको अनइंस्टॉल कर देते हैं। हम कभी भी उसकी सेटिंग्स में एप्लीकेशन मैनेजर में जाके जो है वहाँ से उस जो लोकेशन हम मांगते हैं, जो लोकेशन एप्लीकेशन को हम देते हैं, जितनी भी चीज़ें हैं उसे हम डिनाई नहीं करते हैं, फोर्स स्टॉप नहीं करते हैं, देन हम अनइंस्टॉल नहीं करते हैं। कभी कभी तो हम अपना ईमेल आईडी और क्रेडेंशियल्स डालकर भी जो है उस एप्लीकेशन को ऐसे ही बिना लॉगआउट के अनइंस्टॉल कर देते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हानिकारक है। तो ऐसा ही मैं वीडियो लेकर आया हूँ, छोटा सा वीडियो है, मैं आपको आज बताऊँगा कैसे हम मोबाइल सेटिंग्स में जाके एंड्रॉयड सेटिंग्स और एप्लीकेशन मैनेजर में जाके किसी भी एप्लीकेशन को ईजीली हैंडल कर सकते हैं। और ये छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, मैं आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत कुछ सीखने मिलेगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक भारद्वाज, आप देख रहे हैं हमारा चैनल अनलॉक टेक, जहां मैं हर रोज मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए ढेर सारे वीडियोस लेकर आता रहता हूं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको हमारे चैनल के वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन पर क्लिक कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम चलेंगे हमारे मोबाइल फ़ोन्स की सेटिंग्स में। आप देख पा रहे होंगे मोबाइल फ़ोन्स में सेटिंग्स जो है, इसके बाद सेटिंग्स पर जाने के बाद हमें जाना होगा एप्लीकेशन एंड परमिशन पर। ये जो है दोस्तों सभी के मोबाइल फ़ोन्स में अलग अलग नाम से हो सकती है, किसी किसी के में सेटिंग्स एंड एप्लीकेशंस होगा, किसी किसी के में ओनली एप्लीकेशंस होगा, तो अलग अलग नाम होते हैं। किसी किसी के में सिस्टम मैनेजमेंट के अंदर जाकर ये ऑप्शन आता है, हमारे में ये जो है आ रहा है नीचे, आप देख सकते हैं एप्लीकेशन एंड परमिशन, इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ 3-4 ऑप्शन आ रहे हैं, हमें जो है सबसे ऊपर जो ऑप्शन दे रखा है ऐप मैनेजर, वहाँ जाना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों इस एंड्रॉयड मोबाइल में, हमारे एंड्रॉयड मोबाइल में जितने भी एप्लीकेशंस यहाँ पर दर्ज हैं, जितने भी इंस्टॉल हैं, आप ये सभी देख सकते हैं। ये सब की जो है यहाँ पर लिस्ट आ रही है, कितना MB डेटा, कितना GB डेटा अभी तक ये यूज़ कर रहे हैं, ये यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, आप देख सकते हैं। अब दोस्तों हम आपको जो एप्लीकेशन रैंडम हम कोई भी एप्लीकेशन उठाएंगे और हम दिखाएंगे कि वो आपके फ़ोन की डायरेक्टरी या वो क्या क्या यूज़ कर रहा है। जैसे हम चलते हैं ट्रू कॉलर पर, आप देख सकते हैं ट्रू कॉलर लिखा आ रहा है 148 MB, हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पेज ओपन हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है इंटरनल स्टोरेज, बैटरी की लाइफ, डेटा यूसेज, नोटिफिकेशन, परमिशन, ओपन बाय डिफ़ॉल्ट। यहाँ पर हम दिखा देंगे इंटरनल स्टोरेज पर, आप जाएंगे यहाँ देख सकते हैं कितना स्टोरेज इसने कवर किया है, कितनी कैच फाइल यहाँ पर बनी हुई है। आप बैटरी लाइफ देख सकते हैं, ये बैटरी लाइफ यहाँ से लोडिंग हो रही है, कितना जो है CPU यूसेज इस ट्रू कॉलर को जा रहा है, यहाँ लिखा हुआ है 1% पावर कंज्यूम बाय दिस ऐप। इसके बाद आप डेटा यूसेज देख सकते हैं कि मोबाइल आपका जो है, आपके मोबाइल से जो डाटा चलता है, मोबाइल डेटा, उसमें देखिए ये कितना ज़्यादा ले लेता है ट्रू कॉलर। आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं, नोटिफिकेशन फ्लोटिंग विंडो में कहाँ आना चाहिए। देन जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जिस पर आज ये वीडियो बनाया जा रहा है, वो है परमिशंस। आप परमिशंस पर जाएंगे, आप यहाँ देख सकते हैं क्या क्या हमने अलाउ किया है और क्या क्या हमने डिनाइड किया है। हमने अलाउ किया है ट्रू कॉलर को कॉल लॉक्स, कॉन्टैक्ट्स, फ़ोन, क्योंकि दोस्तों जब आप ट्रू कॉलर को डाउनलोड करेंगे तो वो इन तीनों परमिशंस के बिना जो है आपके मोबाइल फ़ोन में ओपन ही नहीं होगा।
लेकिन आप बच सकते हैं उसे क्या क्या नहीं देकर। आप उसको SMS डिनाई कर सकते हैं, स्टोरेज डिनाई कर सकते हैं, आप अपना माइक्रोफोन डिनाई करते हैं, लोकेशन डिनाई कर सकते हैं, कैमरा डिनाई कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर आपका माइक्रोफोन ऑन है, आपकी लोकेशन ऑन है, आप किसी से बात कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, ये सब कुछ वहाँ से ट्रैक करेगा। अभी देखिए दोस्तों, मैं आपको जो अलाउड में कॉन्टैक्ट्स दे रखा है वहाँ पर क्लिक करके दिखाऊँगा कि ऑप्शन क्या आता है। देखिए यहाँ पर दोस्तों दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक आ रहा है अलाउ, एक आ रहा है डिनाई। आपने अलाउ कर रखा है, अगर आप चाहते हैं कि हम इसको डिनाई कर दें तो आप यहाँ से डिनाई कर देंगे तो वो नेक्स्ट जो है नेक्स्ट सेकंड से ही इस परमिशन को और इस जो है फैसिलिटी को लेना बंद कर देगा। हम कोई किसी दूसरे ऐप में आते हैं, आपको वहाँ से दिखाएंगे। जैसे कि मान लीजिए दोस्तों हम यहाँ पर जो है मैप पर आ जाते हैं, यहाँ मैप देख रखा है आपने, मैप आ गया है। मैप में आप देख सकते हैं कितनी सारी चीज़ें मैप ने ले रखी हैं। मैप ने कैमरा ले रखा है, कॉन्टैक्ट ले रखा है, लोकेशन ले रखी है, माइक्रोफोन ले रखा है, फिजिकल एक्टिविटी ले रखी है, स्टोरेज ले रखा है। अब आप चाहते हैं कि मेरे को यहाँ से लोकेशन को जो है हटाना है, मैं चाहता हूँ कि जो मैप नाम का एप्लीकेशन है गूगल का वो मेरी लोकेशन को ना ले सके, तो देन मैं जस्ट लोकेशन पर क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पर उसको डिनाई कर दूंगा। यहाँ देखिए दोस्तों ऑप्शंस तीन आ गए हैं, अलाउ ओनली वाइल यूजिंग द ऐप, ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। आप जब इस एप्लीकेशन को क्लिक करेंगे, इस एप्लीकेशन को एक्सेस करेंगे, इसका यूज़ करेंगे, आप उस पर क्लिक कर दें तो आपके लोकेशन, मोबाइल फ़ोन की लोकेशन ये ऐप कब लेगा, ये ऐप तब लेगा जब आप इसको जो है क्या कर देंगे, जब आप इसका यूज़ करेंगे तब ये आपकी लोकेशन लेगा। या आप चाहें तो आप इसको डिनाई भी कर सकते हैं, ये हमने डिनाई कर दिया है, हम पीछे आएंगे। आप देख सकते हैं अब डिनाइड में लोकेशन आ गया है। मैप में नेक्स्ट चीज़ दे रखी है कैमरा, हम कैमरा पे जाएंगे, हम यहाँ अलाउ है इसको डिनाई कर देंगे, हम डिनाई एनीवे कर देंगे, पीछे आएंगे, देखिए ये डिनाइड में आ गया है। तो दोस्तों इसी तरीके से आप अपने मोबाइल फ़ोन के किसी भी एप्लीकेशन को जो चाहते हैं आप एक बार सारे एप्लीकेशन को रिव्यू करके देख सकते हैं, आपके मोबाइल फ़ोन में कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं, उन एप्लीकेशंस को जो है आप उनका यूज़ कैसे करते हैं, किस किस एप्लीकेशन ने आपकी जो है लोकेशन ले रखी है, मोबाइल फ़ोन ले रखा है, कैमरा ले रखा है, माइक्रोफोन ले रखा है, आप इनको जो है अपने अपने तरीके से अलाउ या फिर जो है डिनाई कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ दोस्तों ये छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज, थैंक यू।